अमृतसर के बाद अब समय आ चुका है धरती की जन्नत देखने का। ये वही चचा है। अब हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ से कसौल की ओर। डिसाइड नहीं कर पा रही है किधर जाएं। हम आ गए हैं मणिकरण गुरुद्वारे में, पर फिर इतनी खूबसूरत जगह आके लंगर कैसे छोड़ पाएंगे। बर्फीली वादियों को और पास से देखने के लिए अब हम निकल चुके हैं तोश। और कुत्ता एंजॉयिंग में गाइस, कुकुर एंजॉयिंग में। ये वेज तेंदुक, ये आटे की स्लाइसेस हैं। सब खा पी के डगर गए। डगर मारो, ये इसने उतना नहीं खाया लगता है। साइलेंट किलर। पूरी शाम बर्फीली वादियों को निहारते हुए ही निकल। अपने फर्स्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के लिए और बर्फ को और पास से देखने के लिए हम जा रहे हैं कुतला की ओर। राजा क्या बात है भाई, ये बर्फ कल हुआ है। हर हर महादेव। बोले बोले। स्नो इज कमिंग टू मी, दुबई इज गोइंग टू स्नो गाइज, मीट पायरेट्स ऑफ द स्नो गाइज। ओह माय गॉड्स, आई थिंक यही है वाटरफॉल गाइज, हमें उस टाइम पे काटा जा रहा था गाइज। टू मच नॉइज, झरना शांत हो जाओ, नॉइज पॉल्यूशन नो, नॉट सो इको फ्रेंडली झरना, बैड झरना, कमिंग पायरेट्स ऑफ द स्नो एंड गोइंग नाउ। ओह माय गॉड, आई हैव टू वॉच माय फुट गाइज, ओ स्टीप डाउन स्लाइड। अगर इस ट्रेन से पहुंच पाओ तो इधर से देख लो, लेफ्ट से भी वाले साइड। यहाँ रास्ता नहीं मिल रहा है, तुम्हारी रास्ते की प्लानिंग चल रही है, कौन सा पेड़ ज्यादा मजबूत है पकड़ के जाया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जा रहे थे तुकला ट्रैक पे, कुतला सॉरी कुतला कुतरिया कुता, सेम 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 सेम। द थिंग इज वी आर लॉस्ट, तो अब तुकला इज कुतला एंड वी आर कुतरिया एंड वी आर कुतरिया, लॉस्ट लॉस्ट कुतरियाज।
तो हमें सिर्फ ये पता है कि सामने वो पहाड़ है जहाँ हमारा रूम था, इधर से आए थे, इधर कोई जाना है। अब इधर से तीन तीन चार चार रास्ते दिख रहे, कहाँ जाना है कुछ ज्यादा पता नहीं है, देख लो। अब लाइव जाओ, डेड जाओ, जैसे जाना जाओ। जाओ भाई, मिट्टी खोद के रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है दोस्त, इनके मैकेनिकल है तो ये मैकेट्रॉनिक्स हो गए है, अभी सिविल बनने का भी काम कर रहे हैं। सही है, ये हंसी नहीं है, अंदर का दर्द है, फिर से दर्द बाहर लाई। अपना गड्ढा खुद खोदना चाहिए, सही बात। यहाँ हमसे चढ़ा नहीं जा रहा, सिंगल पैड ये लकड़ी के गत्ते लेके उतरते जा रहे हैं। भाई बताओ कैसे कर ले रहे हैं, सब यूपी से काम करने आए। अच्छा ये रही बर्फ, बर्फ पे कैसे उतर जा रहे हैं, हम तो डर से बर्फ पे पैर ही नहीं रख रहे। ओह फाइनली, क्या मैं रुकने के लिए टेंट दिख रहे हैं। गिर जाए मजा आ जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। गरम है भाई पूरा। हेलो, ए ए ए ए ए ए आराम से, धीरे धीरे। ओ जी हेलो, आपका नाम क्या है, कहाँ भागोगे, किधर भागोगे, हम तो पकड़ लेंगे आपको। तो से लाते भैया सामान। अच्छा आप लोगों को कितना मिनट लगता है जाने में, जाने में हाँ? जाने में आधा घंटा, और आने में, आने में एक घंटा। सब ये एक घंटा कह रहे थे सब लोग, अब तो इज्जत आप पे है। रुको यार, 96 हाँ 96 हिमो को बोले हैं, उसको कॉम्पिटिटर मिल गया है। 96 56 में बोल दिया, गलत हो गया। हाँ, मैं 56 बोल दिया था, 96 होगा ये इसीलिए मिस्टेक्स है आपके। चल कल से आप चौथी क्लास में, ठीक है। एक जॉब करते हो, नहीं ये दोनों जॉब करते हैं, हम दोनों इनसे पैसे ले लेते हैं। अबे सैलरी देते थे, अरे ये ऐसा बोल देगा तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। थोड़ी पेट पूजा करने के बाद हम जा रहे हैं बूढ़ा वन ग्लेशियर पॉइंट देखने के लिए। मिस कर गए ये लोग, सस्ते खिलाड़ी हैं। तुम लोगों को कॉलेज की क्रिकेट टीम में चूना भी रखने के लिए नहीं रखा जाएगा, देखा। शरारा 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 शरारा। क्या कर रहे हो दुबे जी आप यहाँ पे? मैं कुछ खुदाई कर रहा हूँ, शायद हो सके खजाना मिल जाए। खोदो खोदो, और ये मुझे, ओह माय गॉड, यहाँ पे लाल कुछ दिख रहा। Oh my God, H2O मिला भाई, H2O, water, ice में water मिला भाई। Oh my God, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? ये मैं बहुत ही अशब्द हूँ, क्या निशब्द हूँ? आप इतना कुछ तो बोल चुके हैं अब तक। नहीं ऐसे नहीं, सही से बताइए। ये पानी कैसे हो सकता है, जमा भी नहीं है guys, इसमें क्या कुछ देखते क्या है इसमें कि ऐसा ये जमा नहीं है। सूत्र से तो हमें पता चला कि इसको कुछ देर पहले आप ही ने गाड़ा। सूत्र आप बताओ क्या ये सही है, सही है, सही बात। सूत्र नंबर दो, क्या ये बात सच है? सोची समझी ऑपोजिशन वाले कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। आप जाली खुदाई करता है, नहीं निष्पक्ष रहिए बिल्कुल भी। यही अली बाबा, यही 40 चोर है। पानी पी लेता हूँ, इतना मेहनत से खुदाई किया हूँ, मिला है कुछ।
पी लीजिए। ये ले भाई चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर भाई, इसको पीऊं या इसको खा के पीऊं या फिर पी के खाऊं? भाई कॉफी में तो आइसक्रीम मांगते बड़े आराम से चम्मच से खाते हो, 10 रुपए एक्स्ट्रा भी देते हो उसका। खाओ से पहले खाओ, पहले खाओ से। अब पानी पियो। आयरन मैन। बर्फ में जी भर के खेलने के बाद अब हम लौट रहे हैं अपने कुतला स्टे पे। बस उम्मीद है हम अंधेरा होने से पहले पहुंच। बस गया, वरना भालू का डिनर बनता है और क्या। पंजे का निशान देख के मैं हिल गया भाई, मेरे अंदर का मैन वर्सेस वाइल्ड जाग गया। तो सब जन सही सलामत है, चेहरा दिखाओ अपना, पहचान करो अपनी। अभिषेक द्विवेदी सब है दुबे। यशेश जिंदा आ गया एक पीस में, यशेश भी आ गया। स्कैन हो गया फाइनली। कहने को छोटी ट्रैक छोटी नहीं थी भाई, कहने को भी नहीं थी। लोगों के लिए कहने को छोटी, लेकिन जिंदगी के सबसे लंबे 1 घंटे थे मेरे ये। कतई मरी हुई हालत में लग ही नहीं रहा जैसे ग्लेशियर से आए है कि नहीं अमन? ये तो रोज का है, ग्लेशियर जाना नहीं, मरी में रहना। आखिर हम रास्ता भटक ही गए और काफी मुश्किल से अपने स्टे पर पहुंच गए। 10,000 फीट ऊपर और ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने बोन फायर का मजा लिया और अपनी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नज़ारा अपने दिलों में हमेशा के लिए कैप्चर किया, तारों से भरे हुए आकाश को देखकर। अगली सुबह वापस नीचे तोश कियो। आप भी वहाँ नदी के पास बैठ गए होगे जहाँ पुल है छोटा सा? हाँ, हम भी मेन गांव में तो वही नहीं, वहाँ पे ज़्यादा बैठते यार। उतने में ही रात हो गई, उसके बाद उतने ही रास्ता हो गए एकदम। अरे क्या बात, हम भी हो गए। दुबे इधर आओ, तुम तो खलनायक हो। फाइनली हमने ये खतरनाक सा ट्रैक पार किया, ट्रैक रन कर लिया काफ़ी ऊपर ऊपर से बर्फ को छोड़ते हुए। ये आपको दिख रहा होगा आसान, लेकिन है बहुत फाड़ू। लोगों के लिए ये सिर्फ 1 घंटे का ही है, लेकिन हमें जाने में 4 घंटे लगे हैं और उतर आने का तो गिना ही नहीं है। आने का तो पट्टी में निकल गए। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं पीछे, कल इस पहाड़ से हमारा आई कॉन्टेक्ट हो रहा था। मैं लेवल पे था, सोच लो बाकी आप लोग। हमने अपनी पूरी ट्रिप का वेस्ट जैसे प्लास्टिक रैपर्स इन सब को कलेक्ट किया ताकि हमारा कचरा भी ऐसे ही सालों तक पड़ा रहकर इस स्वर्ग को और गंदा ना कर। उन्होंने डाली थी चाय में मैगी। जब मैं दो चीज़ें बनाता हूँ ना तो मैं हो जाती हूँ। एंड ये एक लाइफ है जिसकी वजह से हमें बर्फीली पहाड़ियों में चलने में बहुत ज़्यादा ग्रिप मिली। आप भी कभी जूते के ऊपर मोजे पहनकर ये चीज़ ट्राई जरूर कर। और ना चाहते हुए भी इन बर्फीली वादियों को छोड़कर वापस दिल्ली की ओर।